नमस्कार, स्वागत है आपका खेल लाओ टीवी पर। मैं हूं गौतम और यहां पर आज हमारे साथ होंगे सचिन, जो कि पटना पायरेट्स के बड़े सीनियर प्लेयर हैं और आपने देखा ही है कि पटना पायरेट्स के लिए उन्होंने कितने कितने धाकड़ तरीके से खेला है और सुपर टेन लगाने के मामले में और सुपर टेन के बाद अगर हम टॉप टेन रीडर्स में बात करें तो सचिन का नाम आता है। पटना पायरेट्स को जीत के इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए सचिन जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए खेल लाओ टीवी पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सचिन जी के साथ आज यहां पे। तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप बताइए कि पटना पायरेट्स के लिए आप खेल रहे हैं, तो ये तो इसके ऊपर तो हम अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपकी शुरुआत कैसे हुई कबड्डी में? आप कबड्डी में कैसे आए और किस कौन था आपको जो कबड्डी में लेके आया? सबसे पहले कबड्डी खेलता था मैं, उसको देख देख उसने मेरे को बोला कि कबड्डी खेल, कबड्डी में मेरे भैया मेरे को कबड्डी सिखाई जी। फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर नेशनल, उसके बाद यहाँ सिलेक्शन हो गया प्रो कबड्डी में। जी 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 जी। अच्छा सचिन सर, वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं आप? आनंद से हूँ, बड़बर झुंझुनू से। जी 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 जी। तो होता है ना कि बचपन में एक थॉट आता है सचिन सर कि हमारे दिमाग में कि जो है हम बड़े होके जो है टीचर बनेंगे, हम बड़े होके पायलट बनेंगे, हम बड़े होके कबड्डी प्लेयर बनेंगे, ये थॉट कब आया? मेरे फैमिली में सभी कबड्डी प्लेयर थे, इसलिए मेरे को बोला था कि तू भी कबड्डी खेल, अच्छी इसमें स्कोप है। जब प्रो कबड्डी भी आ गई थी मेरे फैमिली में, पापा भी कबड्डी खेलते थे जी, बड़े भाई भी, मामा भी, सभी कबड्डी खेलते थे, फिर उस कबड्डी सीखा मैंने। मतलब ये कबड्डी खून में थी आपकी, ये कह रहे हो? अरे वाह वाह सर। तो पटना पायरेट्स के लिए आपका परफॉर्मेंस जो है सचिन भाई बहुत ही शानदार है, मतलब दिल जीत लिया आपने। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे कि कैसे आप उस रिदम में आए और कैसे आपने इतना बढ़िया जो है अपना यहाँ पे परफॉर्मेंस किया? हमारा 2 महीने का कैंप था पटना पायरेट्स में, कोच साहब ने वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस कराई, इसलिए हम यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोच साहब ने बहुत ही अच्छी हमारी कैंप में बहुत प्रैक्टिस कराए, जो पिछले साल गलतियां हो गई थी उस पर अब की बार को सबने काम किया, इसलिए हम अच्छा कर पा रहे हैं। अरे वाह सर, मजा आ गया। तो पट्टा पायरेट्स की टीम में आके जो है आप सचिन भाई एक स्टार प्लेयर बन गए हैं, मतलब सबकी नजरें किसी पे होती है जब पटना का मैच होता है, तो सर पटना के तो दीवाने बहुत हैं और अब सचिन के चाहने वाले बहुत हो गए। तो आप जो है टीम में जब आप स्टार प्लेयर बन गए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि अब आगे आपको क्या करना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है इस वक्त? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी टीम इतनी अच्छी खेल रही है, हमारा डिफेंस ओपन सही, हमारे जो कोच साहब ने प्रैक्टिस कराई थी इसी कैंप में और अभी भी चल रही है हमारी प्रैक्टिस, इसलिए हमें बहुत ही मिलती है कि हम सभी अच्छा बेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सचिन भाई, एक एक छोटा सा पर्सनल सवाल है कि आपको ना आपके अच्छे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस के बावजूद आपको जो गुजरात जायंट्स ने रिलीज कर दिया था, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको दुख हुआ था उसे लेके कि भाई मुझे रिलीज कर दिया? नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं हुआ था कि दूसरी टीम में भी अपना बेस्ट ही करना है, उसमें बेस्ट करा था, अब कोई और था, कोई ऐसा वो नहीं हुआ था। जी हाँ। तो सर पटना पायरेट्स और गुजरात जायंट्स के बीच में एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो एक नई टीम में आके आप खुद को उसके हिसाब से आपने ढाला है, तो यहाँ भी मतलब कुछ मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है कि नई टीम है कैसे खेलना है, या फिर उसी तरह से जिस तरह से आप खेलते हैं? जिस तरह से जैसे यहाँ पे सभी को पहले से जानते हैं, मतलब कि खिलाड़ियों को तो हमारे मिल जाते हैं, तो दोस्त सभी आसी में जाते हैं, उससे भी अच्छा लगता है कि हमें यहाँ पर रहने में। क्या बात है। तो सचिन भाई देखो, मुझे कभी कभी क्या लगता है ना कि आप जितने जितनी खूबसूरती के साथ खेल के पॉइंट लेके आ जाते हैं ना, वो दिल जीत लेते हैं आप। तो जब आप जाते हैं तो आप सोच के जाते हैं कि इस बार सुपर रेड मारूंगा या फिर एक नंबर लेके आऊंगा, एक पॉइंट लेके आऊंगा? ऐसे हर रेड सोच के जाता हूँ कि नंबर लेके आऊं, बोनस लेके आऊं, कि एंटस लेके आऊं, ये हर रेड में सोच के जाता हूँ कि हर रेड में नंबर लेके आना ही है। बिल्कुल। तो सचिन सर, आप हर जब आप रेड पे जाते हैं तो एक मोर्चा होता है, वो एक एक आप आक्रमण करने जा रहे होते हैं उस वक्त, तो
आपको अपने आक्रमण में एक आप योद्धा की तरह जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास वो कौन से अस्त्र शस्त्र है, आपकी कौन सी स्किल है वो जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है कि मैं जो है टो टच कर लूंगा, रनिंग हैंड टच कर लूंगा, बैक किक कर लूंगा, कौन सा ऐसा स्किल है? मेरा सबसे फेवरेट टच है, हैंड टच है जी, उसमें बहुत ज्यादा भरोसा है कि हैंड टच से नंबर लिया हूं। क्या बात है। और कोई ऐसा डिफेंडर जिससे आपके दिल धड़कता हो कि यार सामने, मतलब आपका अगर मैच है दिल्ली के साथ है तो मंजीत चिल्लर है वहां पे, जीवा है वहां पे, तो कोई ऐसा डिफेंडर ओवरऑल जिससे आपको थोड़ा सा डर लगता हो कि नहीं यार इसके सामने जाने में ना? कुछ नहीं है सर, वो मैच की सिचुएशन के हिसाब से चलता है कि डिफेंडर है सभी बेस्ट है, कौन कहां कैच लगा दे, ऐसा कोई डर नहीं लगता सर, बस रेड लगाना, नंबर लेके आना है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सीजन में जो है आप सबसे ज्यादा पॉइंट के मामले में टॉप 10 में है, तो इस सीजन आपने ऐसा क्या अलग किया सचिन सर कि आप इतना, मतलब टॉप 10 खिलाड़ियों में जो है सबसे ज्यादा पॉइंट लेने वाले बन गए? हमारी कोच साहब ने प्रैक्टिस कराई थी कैंप में, आमिर कोच साहब ने, इसलिए मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। जो हमारी पिछले साल गलती हो गई थी, इस साल जो कोच साहब ने मेरी जो मिस्टेक थी वो सुधार कर, इसलिए मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। जी 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 जी, मुझे तो नहीं लगता सर कि आपकी पिछली बार भी कोई मिस्टेक थी, आप हमेशा से मेरे लिए तो स्टार रेडर रहे हैं। आप एक भरोसा होता है, जिस भी टीम में सचिन भाई है वो टीम तो मतलब आप मतलब छक्के छुड़ा देगी दूसरे के, तो ये आपकी स्किल पे मुझे भरोसा है सर। तो जब भी देखता हूँ आप बड़े बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से जो है आप रेड करने के लिए जाते हैं, तो सर इतना फोकस करने के लिए कि आगे आपको पता है कि अभी लीड पे है या आप कम चल रहे हैं, आपको पॉइंट लेके आने, तो आपको उस वक्त जो है अपना दिमाग कितना फोकस करना पड़ता है कि मुझे कहाँ से पॉइंट लेके आना है, किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं सचिन सर? कि वो जैसे कि साइड जैसे लूज है उसी पे अटैक करना चाहता, जैसे ये स्ट्रॉन्ग है इधर नहीं जाना, कि आगे अटैक करना, वो मैच के सिचुएशन के हिसाब से रेड लगती है सभी, तो इसलिए। जी हाँ। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी है कि प्रदीप नरवाल जो है इससे पहले पटना में एक मेन रेडर हुआ करते थे, लेकिन इस सीजन जो है टीम का हिस्सा नहीं है, तो क्या उनकी कमी पूरा करने के लिए आपके ऊपर कोई दबाव महसूस करते हैं सचिन सर आप? ऐसा कोई दबाव नहीं है कि हम सभी रेडर डिफेंसर मिल के अपना काम कर रहे हैं, ऐसे ही हम आगे तक करते रहेंगे और अपनी टीम को ट्रॉफी जिताने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो सर देखिए, पटना पारस टीम में ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जिनसे आप काफी सलाह लेते हैं और उनकी टिप्स मांगते हैं कि भाई थोड़ी होता है ना कि कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर होते हैं या कोई ऐसे प्लेयर होते हैं जिनसे आप सलाह मशवरा करते हैं कि, और क्या करते हैं आप एक मैच से पहले, क्या डिस्कशन? नीरज भाई साहब हैं, प्रशांत भाई साहब हैं, मोनू भाई साहब हैं, और हमारे सबसे कोच साहब हैं। पहले तो कोच साहब से रह लेते हैं कि हमें कि कैसे क्या करना है, हमें को सब बताते रहते हैं, हर 30 सेकंड में हर टाइम मिलता तब हमें मिस्टेक हमारी जो रहती है। जी 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 जी। तो सचिन भाई एक छोटा सा और सवाल है कि ऐसा रेडर ही क्यों बने आप, मतलब कि मुझे रेडर बनना है, मुझे डिफेंडर बनना है, मुझे ऑलराउंडर बनना है, इन तीन चीजों को चूज करने के लिए आपने रेडिंग डिपार्टमेंट ही क्यों चूज किया? कि रेडर में जब पहली फर्स्ट टाइम प्रो कबड्डी देखा था तब रेडर अच्छे चल रहे थे, मतलब रेडर की ज्यादा वैल्यू होती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी रेडर बन गया। अरे अरे आप ना बड़े मुझे लग रहा है कि देखिए सचिन सर की वैल्यू की अगर आपने बात करी तो आपने रेडर्स की वैल्यू, आपके जो फैन है सर हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं कि सचिन सर से हमें मिलाओ, तो आज खेलना और टीवी का सौभाग्य है सर। तो आप अपने सभी फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो कबड्डी खेलना चाहते हैं स्पेशली, कि किस तरह से कबड्डी का स्टार बने? मैं अपने फैन को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने मन लगा के मेहनत करें और डाइट पे ध्यान रखें। जी बस इतना ही। तो वहां पे सर देखिए, इस बार जब बायो बबल में आप फंसे हुए हैं, वहां पे ऑडियंस भी नहीं है, तो कुछ सुना सुना नहीं लगता जहान आपको कि यहाँ पे ऑडियंस नहीं है, वो जो हूटिंग होती थी, वो जो लोग होते थे, तालियां बजती थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वैसे ऐसा लगता जब मैच में चले जाता बस खेलना है, मैच जीत के आना है, ऐसा कोई नहीं। पहले भी ऐसा सेम था, अभी भी सेम है। जी जी जी। अच्छा सर, कोच राममेर सिंह जो है प्लेयर्स को मैच की तैयारी किस तरह करवाते हैं, स्पेशली रेडिंग डिपार्टमेंट को किस तरह से मजबूत करवाते हैं वो? हमारे कोच साहब जो हमारी मैच में गलती होती है उनको हमारे कोच साहब हमें बताते हैं, दो दो तीन तीन घंटा प्रैक्टिस कराते हैं, उस पे हम काम करते रहते हैं। कोच साहब हमें बताते रहते हैं कि भाई इसमें हमारे को वीडियो एनालाइज करते हैं, उस पे हमको
गलतियां दिखा के फिर उस पर हम काम करते हैं, फिर उस पर हम आगे नेक्स्ट मैच में उतरते हैं। क्या बात है, क्या बात है सचिन सर। तो यहाँ पे ना आपसे सीखने वाले लोग जो है बहुत है कि हमें जो है सचिन की तरह, सचिन सर की तरह रेटिंग करना है। एक क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और एक इधर पट्टा पायरेट्स में एक आप सचिन है। तो सर प्रेशर नहीं होता है कभी? आप जैसे अभी आप, मैं देख रहा था कि कोविड की वजह से बहुत सारे मैच पटना के नहीं हुए, लेकिन सर उसके बाद मुझे लगा कि पटना की टीम ने जो कमाल किया है, उस कमाल के पीछे सर आप किसका, किसको श्रेय देते हैं कि पटना अभी देखिए सबसे नंबर वन पे चल रही है? मैं अपने कोच साहब को देना चाहता हूँ और मेरे कोच साहब को सर है कि उन्होंने हमारे को प्रैक्टिस कराई कोविड के समय में भी, हर समय में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, कॉन्फिडेंस रखा कि मरोलर डाउन नहीं होना दिया, हमें साफ रखा। तो सब सर है, कोच साहब हो जाता है हमारा। अरे क्या बात है सचिन सर। इस बार जो है मोनू गोयत भी है जो पिछले 3-4 मैचेस से खेल नहीं रहे हैं, और आपने जो है मोनू गोयत को भी पीछे छोड़ दिया है। अब अगर हम बात करें रेडिंग के मामले में, तो सर यहाँ पे इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि मोनू गोयत को आप कब वापस लेके आ रहे हैं, और मोनू गोयत को जब आपने अब रेडिंग के डिपार्टमेंट में भी पीछे छोड़ दिया है सर? जो अच्छा करता है को सब उसको खिला रहे, जैसे हमारा भी गुमान अच्छा कर रहा है, बेस्ट कर रहा है, तो उसको को सब मौका दे रहे हैं। तो जो अच्छा करता है ना उसको पहले को सब हमारे आगे रखते हैं कि यही सब सर यही करेंगे। तो अच्छा, तो सचिन भाई वैसे एक बात बोलूं, आपकी टीम में जो है सभी अच्छा कर रहे हैं वैसे तो। अगर आपके डिफेंस की बात करूं तो वहां पे शार्दुल की बात अगर मैं करूं तो जिस तरह से वो डिफेंस कर रहा है, जिस तरीके से एक नई खोज है सर वो, तो अगर आपका डिफेंस मजबूत होता है तो रेडिंग में कितना कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है सचिन भाई कि हमारा डिफेंस बहुत बढ़िया है? अभी हमारी चारों साइड बहुत अच्छी है, जैसे सादलू है, नीरज भाई है, सुनील है, साजन है, हमारी चारों साइड स्ट्रॉन्ग है। तो हमें इतना वो नहीं लगता, वो बोल रखे तुम खुल के रेड मारो, हम आपको उठाएंगे, रिवाइव करवाएंगे, आप भी रेड मारो, हमारी चारों साइड बहुत बेस्ट है। जी जी सचिन सर, कबड्डी में ना मैंने देखा कि इस बार इंजरी बहुत हो रही है, चाहे आप, हम अगर बड़े प्लेयर्स की बात करें तो हम पहल साहब की बात करें, अजय ठाकुर की बात करें, हम बात करें तो प्रदीप भाई साहब भी जो है थोड़े इंजर्ड ही दिखे हैं मुझे इस बार। तो इंजरी से आप कैसे बचते हैं सचिन सर कि भाई इंजरी से बचना है, फिट रहना है? इंजरी एक कबड्डी का पार्ट है, गेम का पार्ट है, पता नहीं कब चोट लग जाए मैट पे, कभी पता नहीं कब कौन सी मूवमेंट पे चोट लग जाए। बस सर ये है कि फिटनेस लेवल अच्छा रहना चाहिए, और सर लक की है इंजरी तो सर पता नहीं कब लग जाइए। तो ये तो मैंने भी देखा सचिन सर कि जब डिफेंडर पकड़ता है ना तो वो घुस्से घासे भी मार देता है वहां पे, पता नहीं वो अग्रेसिव रहते हैं ना, तब इंजरी वगैरह जी जी ऐसा मूवमेंट आ जाता है कि पैर ट्विस्ट हो गया, इसलिए मैट थोड़ा जी 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 जी। अच्छा सर, मिट्टी पे खेलना और मैट पे खेलना, इन दोनों में कितना फर्क आपको लगा? सर बहुत फर्क लगा कि मिट्टी पे, मतलब कि इतना पहले हम खेलते थे मिट्टी पे, इतनी स्लो स्पीड, मतलब कि मूवमेंट, मैट पे आने के बाद स्पीड भी फास्ट है, मतलब कि हर मूवमेंट मिट्टी से ज्यादा फास्ट होने लगी मैट पे। जी 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 जी। और सर कभी आपने बीच कबड्डी खेली है? हाँ सर, बीच कबड्डी खेल लिया है। तो रेत तो कई दिन तक निकलता रहता होगा नाक मुंह से सर? हाँ सर, फिर में भर जाता है सर, वो बजरी समुद्री मिट्टी रहती है ना। जी जी उसमें। हाँ सर। अरे तो कहाँ खेली सर आपने बीच कबड्डी? मैं गांधीनगर साई में रहता था, गुजरात, तो वहाँ पे बीच ग्राउंड का मैदान है जी, वहाँ पे खेलते थे सर हम सभी खिलाड़ी थे, 100-125 खिलाड़ी रहते हैं वहाँ पे हफ्ते में 2 बार बीच कबड्डी खेलते थे वहाँ पे भी सर। अरे वाह। और सचिन सर ये सर्कल कबड्डी भी कभी ट्राई किया आपने? सर वैसे एक बार किया था गांव में, घर पे भैया के साथ खेला था सर मैंने। तो कितना अलग लगा आपको सर्कल कबड्डी? उसमें सारा ही अलग है सर, उसका सर्कल कबड्डी का था सर। तो सबसे ज्यादा मजा कौन से फॉर्मेट में आया आपको कबड्डी में? नेशनल कबड्डी में सबसे ज्यादा बहुत अच्छा लगा, जो अभी व्यू प्रो कबड्डी हो रही है इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें खेल के यहाँ पर। जी 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 जी। तो सर अब देखिए कि मनप्रीत सिंह कोच के साथ भी आप रह चुके हैं, राम मेहर साहब की कोचिंग में भी आपने खेला है, तो सचिन भाई दोनों की कोचिंग में कितना फर्क लगा आपको, या एक मनप्रीत सिंह साहब और राम मेहर सिंह साहब? कोच राम मेहर कोच साहब की जो कोचिंग है वो बेस्ट है, मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पर आकर। जो हमारी गलतियां थी पिछले 40 साल, कोच साहब ने मेरी गलतियां सुधारी है, मुझे राम मेहर कोच साहब की कोचिंग बहुत बेस्ट लगी। तो मनप्रीत साहब की कोचिंग आपको इतनी बेस्ट नहीं लगी? मतलब
हाँ उनकी भी लगी, पर उनसे ज्यादा रामपाल साहब की बेस्ट लगी मेरे को, उनकी भी लगी, पर मतलब अलग अलग कोच है तो अलग अलग कोचिंग है, मतलब कि रामवीर को सबकी मेरे को बेस्ट लगी, प्रैक्टिस है हर चीज। सही बात है। अच्छा सचिन भाई, एक कोच का कितना फर्क पड़ता है कि एक कोच है, जैसे हम देखे कि तेलुगु टाइटन के कोच जगदीश साहब वो हमेशा बोलते अरे सुनो रे, कोई सुनता नहीं है बात, तो सर एक कोचिंग कितना फर्क डालती है खिलाड़ियों के दिमाग पर? सारा ही फर्क है, जो कोच साहब हमें बताते हैं वो हमारी मिस्टेक ही बताते हैं, तो उस पर ध्यान देना रहता है कि उस पर काम करना रहता है, इसलिए हम बेस्ट कर पाएंगे, हम सुनेंगे नहीं तो हम खुद ही बेस्ट नहीं कर पाएंगे नहीं तो। तो सर प्लेऑफ के मुकाबले भी आने वाले हैं, तो प्लेऑफ के मुकाबलों के लिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं सचिन सर? हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, पर मैच पे जैसे जैसे मैच आते जाते हो वैसे वैसे हमारी तैयारी चल रही है, पर हम जी अच्छी तैयारी चल रही है हमारी। तो कुछ स्पेशल ऐसा भी होता है कि जब प्ले ऑफ आता है तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं या शेड्यूल वैसा ही रहता है आपका? शेड्यूल वैसे रहता है, जैसे जो कोच साहब कराते हैं हमारी, जो मिस्टेक होती है उस पे ज्यादा काम करते हैं हमारे जो। अच्छा 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 अच्छा। तो सर एक एक छोटी सी बात यहाँ पे ये है कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी दो टीमें हैं जो प्ले ऑफ में पटना के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है सर, क्योंकि अब कांटे की टक्कर चल रही है दिल्ली, वहां पे मंजीत छिल्लर के होने से जो है बहुत ही शानदार हो रही है, तो ऐसी कौन सी दो टीमें आपको लग रही है सचिन सर की जो प्ले ऑफ में आपके लिए खतरा है? इक्वल है, ये तो क्वालिफाई में सारी बेस्ट टीम आती है सर, सभी को पता नहीं कर सकते सर, मैच सिचुएशन के हिसाब से चलता है उसमें सर, पता नहीं कुछ भी हो सकता है सर। और सचिन भाई रेडिंग के डिपार्टमेंट में आपको कौन लगता है ऐसा कि भाई ये इस सीजन का बेस्ट रेडर है आपको छोड़ के? सर नवीन गोयत है सर, पवन सेहरा होता है। अरे वाह सर, तो पवन सेहरावत भी सर बहुत ज्यादा जो है नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि सुरेंद्र गिल भी इस बार जो है वो कहर ढा रहा है। हाँ सर वो भी बहुत अच्छा कर रहा है सर। अच्छा सर कोरोना वायरस जो है इसकी वजह से 2 साल बाद पीकेएल में वापसी आपने की है, तो ये कुछ अलग अनुभव है इस बार? क्या सर? सर जो कोरोना वायरस की वजह से जो है 2 साल बाद प्रो कबड्डी लीग में वापसी की है सबने, तो इसका कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर इसमें हम 2 साल हमारी प्रो कबड्डी नहीं होने पाई कोरोना की वजह से, अब की बार हो रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी कबड्डी वापिस आई हुई प्रो कबड्डी, हमें बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, हम वापसी से मैट पे आए और अच्छा कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा सचिन भाई बहुत से एक बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस एक सवाल है कि बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जो कि कबड्डी में अपना भविष्य बनाना चाह रही है, पर उनके माँ बाप अभी भी कहते हैं रे छोरी है तू, रे तन्ने तो चूल्हा चौका करना है। सर उन माँ बाप के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे सचिन सर? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको सपोर्ट करें और उनकी सभी उनको बोलने की खेलें अपनी मन लगा के, स्पोर्ट्स में भी हर चीज है, नौकरी भी है स्पोर्ट्स में, हर लेवल की नौकरियां हैं हर उसमें, यही कहना चाहूंगा कि अपने उनको प्रैक्टिस करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो खेलनाओं के यहाँ पे दर्शक है सर, उनके लिए भी कोई मैसेज आप दे दो, कबड्डी के बहुत चाहने वाले और आपके बहुत चाहने वाले, तो आप कबड्डी के सभी चाहने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बस कबड्डी को चाहने वालों के कहेंगे हमें सपोर्ट करते रहें, हम ऐसे हम बेस्ट से बेस्ट करेंगे, हमारी टीम को सपोर्ट करें पटना पायरेट्स को। तो सर पटना पायरेट्स में तो कभी लिट्टी चोखा खाए हैं क्या कभी आप? पटना का लिट्टी चोखा बड़ा फेमस है सर। इस साल तो मौका नहीं मिला कि हम बाय बबल में हैं, अगले साल मौका मिलेगा तो हम जरूर खाएंगे। अरे क्या बात है क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई आपका, बहुत बहुत ऐसे खेलते रहो, आग लगा दो सर आग लगा दो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सचिन जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और खेलनाओ टीवी पर अपना वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ये थे सचिन तंवर जो पटना पायरेट्स के बहुत ही खतरनाक रेडर हैं और टॉप 10 रेडर्स में इनकी भी गिनती आती है। पटना को सबसे ऊपर पायदान पर रखने के लिए सचिन ने बहुत मेहनत की है और हम इन्हें कहते हैं ऑल द बेस्ट इनके फ्यूचर के लिए। फिलहाल आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार जितना हो सके उतना प्यार हमारे साथ यहाँ पे आप दिखाइए, ताकि हम कबड्डी के इस खेल को ऊंचाइयों तक ले जाएं और बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाएं। थैंक यू सो मच, बने रहिए खेलनाओ टीवी पे।